काफी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक सिंपल सी डिश चाहिए होती है ऐसे ही टाइम के लिए। हमारे पास होता है दाल खिचड़ा स्लैश दाल खिचड़ी। ये आप तूर की दाल के साथ भी बना सकते हो, पर आज हम बनाएंगे इसे मूंग की दाल के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं गाइस। एक कप मैंने चावल लिया है, कोई भी चावल ले लीजिए। एक कप मूंग की दाल लिए है, हल्दी ली है थोड़ी सी, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, तेल लिया है, घी लिया है, मस्टर्ड सीड्स लिए है आधा स्पून, सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे, और मैंने जीरा लिया है हाफ स्पून के करीब करीब। अब सब्जियों में मैंने दो प्याज लिए मीडियम साइज के, उनको लंबा लंबा काट लिया है मैंने। मैंने 15 से 16 करी पत्ता लिया है, दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, ज्यादा बड़े नहीं ज्यादा छोटे नहीं, दो हरी मिर्च लिए मैंने, थोड़ा सा धनिया, दो लाल मिर्च लिए साबुत, और मैंने 5 से 6 लहसुन लिए हैं उसमें, और मैंने 3 से 4 ऐड कर लिए जो साबुत लहसुन है, बाकी लहसुनों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अच्छा, अब दाल और चावल को साफ धोकर मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। दोनों को 2 से 3 पानी से धो लो और सारा पानी उसमें का निकाल दो। कुकर मैंने ले लिया है, उसमें मैंने हमारा दाल और चावल डाल दिया अच्छे से। अब मैं इसमें 7 से 8 कप पानी डाल दूंगी। हमारा दाल और चावल 2 कप था दोनों मिलाकर, तो उससे 3 से 4 गुना हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने 1/4 स्पून के करीब फ्लेवर के लिए, एंड 1/4 स्पून मैंने हल्दी डाल दिया, इसमें कम ही डाली, हम बाद में भी डाल देंगे इसको। नमक डाल दिया है 1/4 स्पून के करीब करीब। इनको अच्छे से घोल लो, वरना आप जब कुकर खोलेंगे ना ऊपर हल्दी हल्दी रहेंगी और नीचे चावल बिना कलर का रह जाएगा। ओके, कुकर लगा लिया, आप 3 सीटी का हम वेट करेंगे। तब तक यह दूसरा काम कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैं 3 से 4 स्पून के करीब तेल डाल देती हूँ, एंड अब तेल को हम गर्म होने देंगे। कम ही तेल लिए क्योंकि आगे हमें और तेल और घी डालना है, और खिचड़ी को सर्व करने के बाद और हम घी खाते हैं ऊपर से, तो कम ही डाले। ओके, तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दी है हमारी, ये तड़कने लगी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारा आधा स्पून ये करीब करीब जो जीरा हमने निकाला था वो डाल देती हूँ, उनको अच्छा सा तड़कने देती हूँ। एंड अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, कुछ साबुत लहसुन है, कुछ कटा लहसुन है। अब लहसुन को चलाते रहिए और इसको ब्राउन करिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है हमको, थोड़ा सा ब्राउन करना है बस। थोड़ा सा ब्राउन हमारा लहसुन हो गया, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, हमारी कटी हुई मिर्च हमने डाल दी। इसको और थोड़ा सा चला लो, ज़्यादा देर तक मत चलाओ क्योंकि आगे प्याज टमाटर सब आना बाकी है। एंड ये गया हमारा करी पत्ता। करी पत्ते से गाइस बहुत प्यारा फ्लेवर आता है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ करी पत्ता। करी पत्ता भी हमारा हो गया। फिर से थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी इस मसाले को फ्लेवर देने के लिए। इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। अब हम डाल देंगे प्याज, हमारा जो लंबा लंबा कटा प्याज था वो मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर दो और अब हम इसको चलाएंगे मीडियम आंच पर, तब तक जब तक ये हल्का सा पिंक या ब्राउनिश ना हो जाए। देखिए इस कलर तक ये आना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा टमाटर। टमाटर जो है ये पकने के लिए टाइम लेता है, तो हम इसके लिए एक नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालिए क्योंकि कुकर में हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है ना, तो थोड़ा सा ही नमक हम डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके नरम होने का हम वेट करेंगे। टमाटर भी नरम हो चुका है, अब थोड़ी सी हल्दी और डाल दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने कुकर में भी हल्दी डाली हुई है, तो थोड़ी सी कम ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। चटनी मैंने बहुत कम ली है, 1/4 स्पून ही ली है, क्योंकि मुझे कलर मेंटेन करना है हमारी खिचड़ी का, क्योंकि चटनी से अगर रेडिश हो जाएगी खिचड़ी ज़्यादा तो अच्छी नहीं दिखेगी वो। ओके, 3 सीटी हो चुकी है, कुकर ठंडा भी हो चुका है और मैंने सब खोल दिया। हमारा पूरा दाल खिचड़ा अच्छे से पक चुका है, एंड मैं इसको थोड़ा स्मैश कर लेती हूँ। पानी की और ज़रूरत पड़ेगी हम वो बाद में से डाल देंगे, क्योंकि दाल खिचड़ा जो होता है वो काफ़ी पतला होता है। अब मैं इसको डाल देती हूँ हमारे सारे मसालों में। ये गया बहुत भारी रही। ओके, आराम से कीजिए आपका काम, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है, हम जब मूंग की खिचड़ी खाते हैं या दाल खिचड़ी खाते हैं तो काफ़ी पतली खाते हैं, उसको पतली खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने करीब करीब 1 से 1.5 गिलास पानी बॉईल किया है और इसमें डाल दिया है। गर्म पानी डालिएगा, इस ठंडा डालोगे तो सब ठंडा पड़ जाएगा। ओके, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दो,
टाइम लेगा ये, पर पूरा पक जाएगा। जो पूरा पानी जो अभी आया है उसको कोई फ्लेवर नहीं है, उसमें सारा फ्लेवर मिक्स होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा नमक और डाल देना इस समय टेस्ट करने के बाद। ये गया हमारा धनिया, फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके हिसाब से ज़्यादा पतली हो गई तो थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा होने का वेट करो, पर मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। धनिया को अच्छा खासा हमने मिक्स कर लिया है, अच्छे से बॉईल हो गई है हमारी खिचड़ी। अब हम तड़का बनाते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। आप वैसे सिंपल भी खा सकते हो, तड़के के साथ भी खा सकते हो अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो। ओके, तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया मैंने, इसमें जीरा और लहसुन डाल लिया है। जीरे को अच्छे से तड़कने दो पहले, गर्म तेल में ही डालना, और लहसुन को हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छा लगता है लहसुन जब खिचड़ी में आएगा ब्राउन कलर का, क्रंची भी होता है थोड़ा सा, तो मज़ा आ जाता है उसको खाने पर। अच्छा, एक वीडियो यहाँ पे छोटा सा क्लिप मिस हो गया मेरा, मैंने लाल मिर्च भी डाली है इसमें दो, एंड वो भी आप डालना लहसुन होने के बाद। एंड उसको थोड़ा सा उसका एक शेड और गहरा होने देना, एंड गैस को बंद कर देना गाइस। और हम ये तड़का फिर डाल देंगे हमारे खिचड़ी के ऊपर। तड़के में ना गाइस काफ़ी जान होती है कोई भी मेन्यू की, कोई भी डिश की, तो जलने मत दो उसको। ये देखो परफेक्ट, आपको छोटे छोटे क्रिस्टल भी दिख रहे होंगे हमारे लहसुन के, ब्राउन हो चुके हैं। बड़ा मज़ा आता है ये जीरा और लहसुन जब खाने में आता है। मिर्च भी हमारी लाल हो गई है, और ये टेस्टी डिश हमारी रेडी है। ऐसे सर्व कीजिएगा इसको, इस पे घी डालिएगा, इसको मस्त भुने हुए पापड़ के साथ, आचार के साथ आप दबा लो। एंड ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब भी कर दो गाइस। फिर मिलेंगे नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।